तो फाइनली गाइस आ चुके हैं शाहरुख खान के जवान के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई डे नंबर 21 चल रहा है आज, कितनों को अशरफ वो करती हुई नजर आ रही, एंड साथ में डे नंबर 22 की बात करेंगे। अभी तक इसका एडवांस है वो कितना हो चुका है भाई, कल 3-4 मूवीज आ रही है, तो शोज की बात भी कर लेते हैं कितने ड्रॉप है गाइस वो रख सकते हैं कल के दिन। बट उससे पहले भाई आज मेकर्स ने दे दिया सरप्राइज, जो भाई किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ऐसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल भाई इतना जल्दी ये कैसे कर सकते हैं गाइस, एक के साथ एक फ्री देने का डिसाइड किया यहाँ पे मेकर्स ने। जी हाँ गाइस, कल के दिन की नहीं भाई, आगे भी एक के साथ एक फ्री टिकट भाई जवान के मेकर्स डे नंबर 22 में ओनली। जब गदर चल रही थी, जब जवान आई थी, मैंने उस टाइम बोला था कि भाई YRF हो गया, रेड चिलीस हो गया भाई, इनको गेम खेलना आता, इनको पता होता कि कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए। और अभी देखो ये वाला ऑफर ला लिया इन्होंने, इनको पता था कि भाई कल के दिन क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है, कल शो ड्रॉप होंगे, और ये वाला ऑफर लाने से मूवी को भाई यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ऑब्वियसली, कल क्वेश्चन जंप लेगा जी, अगर जंप या फिर सिमिलर करेगा भाई, अभी तो हमें ये कल ही पता चलेगा शाम को, क्योंकि एडवांस तो भाई ज़्यादा कोई करता नहीं है, तो कल शाम में भी हो सकता है भाई। मुझे तो 100% यहाँ पे लग रहा है कि भाई कल बेनिफिट होगा इस ऑफर का, ठीक है। बाकी गाइज आज के दिन जब ऑफिशियल नंबर्स गाइज के निकल के सामने आए, तो भाई यहाँ पे उसके बाद काफ़ी ट्रेंड में चलने लगा कि सोशल मीडिया में कि बाहुबली 2 को वीट कर दिया भाई जवान ने। जवान का लिखा क्वेश्चन आया 572-73 जो अभी इसका हुआ है हिंदी प्लस डब से, जो कि यहाँ पे बाहुबली का लिखा आया 511 करोड़, और यहाँ पे भाई जवान दब का भी ऐड कर रहे हैं, और जो अभी बाहुबली 2 का उसका सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। अगर जहाँ पे जवान का 515 करोड़ लिखा आता था फिर तो ठीक है भाई, आप जवान का दब भी ऐड कर रहे हो और बाहुबली का सिर्फ हिंदी का, भाई ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली सिर्फ हिंदी का जो बाहुबली 2 का दब का क्वेश्चन था गाइस उसको जवान ने बीट किया। जी हाँ गाइस, जो बाहुबली 2 जो कि वो एक यहाँ पे बॉलीवुड मूवी नहीं थी, वो साउथ की मूवी थी, उसका दब आया था हिंदी, और हिंदी में उसने 511 करोड़ प्रश्न गाइस वो किया था, उसको जवान ने वीट है गाइस वो किया, जो कि ऑल लैंग्वेज। अभी देखोगे बाहुबली 2 का तो भाई उसका प्रश्न वीट करना नामुमकिन है भाई, किसी भी मूवी खासकर मैं हिंदी की बात करूँ भाई, बाकी साउथ की मूवी उसका रिकॉर्ड है गाइस वो तोड़ सकती है, क्योंकि भाई बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ना है अगर सिर्फ डोमेस्टिक में, तो भाई भारत के चारों कोनों में भाई मूवी है वो चलनी चाहिए, चारों दिशाओं में भाई मूवी चलनी चाहिए, तब भी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड है गाइस वो टूट सकता है जो उसका डोमेस्टिक नेट था ऑल लैंग्वेज में, बाकी उसका रिकॉर्ड तोड़ना गाइज इम्पॉसिबल है। हाँ उसका रिकॉर्ड तोड़ सकता है भाई, सिर्फ दो पीपल देख रहे हैं मुझे भाई उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, वो भाई एक खुद जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया भाई SS राजामौली भाई, उनकी कोई मूवी आएगी भाई और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड है गाइज वो तोड़ सकती है। और दूसरा नाम है भाई प्रशांत नील, जी गाइस आपने बिल्कुल सही सुना भाई, प्रशांत नील जो कि उनकी आएगी KGF 3, तो भाई वो मूवी रिकॉर्ड तोड़ सकती है यहाँ पे बाहुबली 2 का, बाकी गाइस मुझे नहीं देख रहा कि भाई कोई रिकॉर्ड इसका तोड़ सकता है। और किसी हिंदी मूवी को ये रिकॉर्ड तोड़ना गाइस ये तो भाई इम्पॉसिबल है, क्योंकि हिंदी मूवी भाई साउथ में चलती नहीं, तो साउथ के बिना भाई ये रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। तो भाई बात करते हैं अब डायरेक्टली आज की भाई डे नंबर 21 कितना क्वेश्चन है गाइस वो करती हूँ नजर आ रही है। उससे पहले भाई ऑक्युपेंसी पर नजर डालते हैं, कल 9:30 थी सुबह की गाइस, आ रही 10 जंप है गाइस हमें देखने को मिला है, कल 13 थी गाइस, आज जाते हैं ना भाई आफ्टरनून की, जो कि कल 12 थी भाई जंप अगेन जंप, कल 15 थी और आज भी 15 गई भाई इवनिंग की, सिमिलर भाई थोड़ा सा जंप दिख रहा है इवनिंग तक। सिटी वाइज नजर डालते हैं भाई, मुंबई में 671 शोज में आफ्टरनून की 16 इवनिंग भी 16 भाई, वर्किंग डेज में 16% ऑक्युपेंसी, इसका मतलब सुपर रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो भी 650 शोज से ज़्यादा शोज है मुंबई में। NCR में 815 शोज में 15 गई आफ्टरनून की, जो कि 18 गई इवनिंग की, फंटेस्टिक। 202 शोज है पुणे में, 11 गई और 10 गई इवनिंग की, 11 गई आफ्टरनून की, यहाँ पे सेकंड डिजिट क्रॉस है। और आगे नेक्स्ट गाइस बेंगलोर 454 शोज में 8 गई यहाँ पे आफ्टरनून की, यहाँ पे थोड़े ड्रॉप हुई है आफ्टरनून में, जो कि इवनिंग में 11 गई अगेन जंप। नेक्स्ट हैदराबाद में 234 में भाई 18 गई आफ्टरनून की और 18 ही गई भाई इवनिंग की, भाई 20 को टच कर रही है, इसका मतलब फंटेस्टिक वर्किंग डेज में, वो भी हैदराबाद के अंदर। कोलकाता में 314 में 14 गई यहाँ पे आफ्टरनून की, जो कि 23 गई इवनिंग की, यानी 20 से भी ज़्यादा कोलकाता में भाई अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कंपेरिजन टू अदर प्लेसेस सिटीज। तो फाइनली भाई कितना कर सकती है, 4.86 करोड़ की फिगर आई थी यस्टरडे की, ठीक है, और आज मुझे भाई जंप दिख रहा है जिस तरह अभी ऑक्युपेंसी निकल के सामने आ रही है। फिलहाल भाई आज का दिन आप 5 करोड़ पकड़ लो, 5 करोड़ के आसपास, और अगर इतना करती है तो भाई हिंदी का
लगभग 519 समथिंग राउंड कर लेगी ये, जो कि दब टोटल हो जाएगा इसका 573 तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो इसमें से 5 यानी 578 टू 579 समथिंग राउंड आपने 21 दिनों में डोमेस्टिक नाइट गाइस बुक कर लेगी, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। ठीक है गाइस, और अब बात करते हैं कल की भाई एडवांस की। तो मुंबई में लगभग भाई मुझे 6 शो फिलहाल दिख रहे हैं, NCR में लगभग 10 हैं, बेंगलोर में मुझे सिर्फ 1 शो दिख रहा है, हैदराबाद में 5 हैं, कोलकाता में लगभग 6 हैं, और चेन्नई में लगभग 1 शो है फिलहाल दिख रहा है, और एडवांस लगभग 57 लाख ही हुई है हिंदी प्लस डब से, 57 लाख के आसपास, तो इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है। कंपैरिजन जो आज की हुई थी इसी टाइम कल जब हम बात कर रहे थे तो भाई थोड़ा सा कम है, तो भाई अभी ऑफर तो अभी अप्लाई हुआ है तो ये कुछ भी हो सकता है भाई, अभी अच्छा खासा टाइम भी है, देखते हैं कल फाइनल कितना रहता है। और फाइनल भाई देखो एडवांस को इतना ज़्यादा करेगा भी नहीं, पब्लिक भाई डायरेक्ट जाएगी और नंबर्स आई थिंक आज के मुकाबले कल भाई जंप लेंगे, आज 5 कर रही है तो क्या पता कल 6-7 भी कर सकती है, कल बेनिफिट होगा भाई ऑफर का। और शोज़ यहाँ पे 671 शोज़ है मुंबई में आज के दिन, जो कि गाइस कल के दिन मुझे लगभग 450 शोज दिख रहे हैं, जो कि NCR में आए 815, कल 500 समथिंग राउंड शोज दिख रहे हैं मुझे, कल 30-40% शोज़ कल ड्रॉप होंगे भाई जवान के, आज लगभग 9000 के आसपास शोज़ है हिंदी के, बाकी गाइस मैं आप सभी को सुबह फाइनल बता दूंगा। तो फिलहाल गाइस अभी के लिए तो इतना ही, एंड आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो सब्सक्राइब, बाकी गाइस मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए